नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज़। और अभी जो राजस्थान के अंदर जो पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं, तो सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर हम पहुंचे हैं। तो सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर 10 नंबर जोन के अंदर हमारे साथ है आरएलपी से उम्मीदवार है फरसाराम जी गोदारा। तो आरएलपी के बारे में बता, आरएलपी पहले भी चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ चुकी है और तो लोकसभा के अंदर 2nd नंबर पे आरएलपी आई, और उसके बाद में पंचायती राज के अंदर भी इन्होंने जो सीटों के अंदर चुनाव लड़ा, तो काफ़ी राजस्थान के अंदर पंचायत समिति में प्रधान भी बनाए आरएलपी ने। और फर्स्ट बार जो सूरतगढ़ पंचायत समिति के अंदर आरएलपी ने जो कैंडिडेट चुनाव मैदान के अंदर उतारे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो इनसे बात करेंगे फरसाराम जी से कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। साहब चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद डीपी के न्यूज़। पहला मुद्दा यही है कि हनुमान बेनीवाल जी ने ये पार्टी बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि तीसरा मोर्चा उठाया है। और दोनों पार्टियों को मात देने के लिए कांग्रेस बीजेपी है जो दोनों जनता का शोषण कर रही है, इसके लिए सबसे अहम भूमिका निभाई है जो हनुमान बेनीवाल जी ने निभाई है तीसरी फ्रंट के रूप में। तो पहला मुद्दा यही है कि टोल मुक्त राजस्थान, और दूसरा मुद्दा यह कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाना, गांव-गांव में हर किसान तक अपना हक के लिए जो भी है फसल बीमा योजना है, पेंशन योजना है, उसके बारे में सभी को लाभ दिलाना। फरसाराम जी, दोनों ग्राम पंचायत राज्य सर और आप उदयपुर गोदराना के अंदर गए होंगे, लोगों ने क्या आश्वासन दिया और क्या क्या प्रमुख समस्या नजर आई आप? देखो, पहली समस्या ये है कि दोनों पार्टियों से सभी उब चुके हैं लोग, दोनों पार्टियों को नापसंद कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने शोषण नहीं किया, शोषण के सिवाय कुछ नहीं किया है। दोनों पार्टियों ने मतलब गुंडागर्दी चला रखी है दोनों पार्टियों ने, तो इसके लिए तीसरे फ्रंट को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, किसान के नेता है, किसानों के मसीहा है, हर मतलब कभी भी किसान कोई भी समस्या हो किसानों के लिए, उसके लिए हनुमान बेनीवाल आधी रात को 2 बजे भी तैयार रहते हैं। तो फरसाराम जी, बहुत सी योजना जो जनता तक पहुँचनी चाहिए जो पंचायत समिति के अंदर दफन हो जाती है, अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या योजनाएँ सही रूप से काम करेगी? बिल्कुल, मैं पहले जनता को यही विश्वास दिलाना हूँ कि उदयपुर और राज्यसर के सभी मेरे भाइयों को, सभी जो भी मेरे सपोर्टर हैं उनको यही पहले कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद पंचायत समिति से जो भी अपने को जो भी डायरेक्टर रूप में जो भी लाभ मिलेगा वो सबसे पहले आम जनता तक सबसे पहले लाभ पहुँचा रहा हूँ। तो इनके समर्थक भी हमारे साथ हैं, तो जैसे आप जा रहे हो फरसाराम जी का प्रचार कर रहे हो, तो जनता क्या आश्वासन दे रही है और क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, पहले तो इन्होंने बता दिया, जैसा कि कांग्रेस बीजेपी से लोग उब चुके हैं, उनको एक थर्ड फ्रंट चाहिए था जो हनुमान जी ने एक पार्टी बना के आरएलपी के रूप में मौका दिया। और हमारे मुद्दे तो यही है कि देखो, कांग्रेस बीजेपी आती है जाती है, लेकिन जो हमारा जैसे टोल नाका है अभी इंदौर टोल नाका, ये प्रॉपर रूप से चल रहा है, सिर्फ एकमात्र हनुमान, लेकिन जो हमारा जैसे टोल नाका है अभी इंदौर टोल नाका, ये प्रॉपर रूप से चल रहा है, सिर्फ एकमात्र हनुमान बेनीवाल है जिसने टोल मुक्त राजस्थान करवाया था। तो हमारा पहला मुद्दा सबसे यही रहेगा, जैसे इसके नज़दीक में राज्यसर, इंदौर, पिंपासर है, उदयपुर, ये गांव बढ़ते हैं, तो टोल वालों ने पहले कहा था कि हम टोल इन गांवों के टोल नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर से टोल शुरू कर दिया। और इस मुद्दे पर किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के उम्मीदवार ने कभी भी मुद्दा उठाया ही नहीं। हमारा सबसे पहले यही मुद्दा है कि हम पहले इसको राज्यसर जो टोल है इंदौर टोल, इससे नज़दीकी जो गाँव हैं उनके टोल मुक्त करवाएंगे। दूसरा ये है कि जो भी पंचायत समिति से योजनाएँ आती है, डायरेक्टर के पास में जितनी भी पावर होती है या जितनी योजना आती है, वो गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और बाकी मैं सबसे अपील करता हूं कि फरसाराम जी के पक्ष में सपोर्ट करें और उनको वोट करें, एक बार अवश्य मौका दें। तो साहब, आप भी साथ में जा रहे हो, तो जनता क्या आश्वासन दे रही है और क्या उम्मीद कर रही है? जनता खूब पसंद कर रही है, इन दोनों पार्टियों से उब चुकी है, तीसरे मोर्चे को खूब आश्वासन के साथ कह रहे हैं कि भी हम अधिक से अधिक मोर्चों से विजय मनाकर यहाँ से फरसाराम जी को पंचायत समिति भेजने का काम करेंगे। तो फरसाराम जी, हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है दोनों ग्राम पंचायत के, उनको क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी वोटरों से, मेरे सभी ग्रामवासियों से, दोनों पंचायत है जो भी है, उदयपुर है और राजस्थान स्टेशन है, सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर किसानों के मसीहा हनुमान बेनीवाल की पार्टी को मजबूत बनाएँ और एक छोटे से सिपाही के रूप में पंचायत समिति में भेजने का काम करें, ताकि आगे भी किसानों के मसीहा हनुमान बेनीवाल अपने यहाँ भी किसानों के हित में लड़ेंगे, आधी रात को जो भी काम होगा उसके लिए किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल जरूर साथ देंगे अपना, और जो भी काम होगा वो मैं ज़रूर पूरा करूंगा। तो ये थे हमारे साथ 10 नंबर जोन से फरसाराम, जो आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं फरसाराम जी गोदारा। तो यहाँ इनके सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, तो यहाँ की जनता को तय करना है दोनों ग्राम पंचायत की कि उनका आने वाले चुनाव के अंदर नेतृत्व करने के लिए आगे कौन आएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अब की बार प्रधान का जो पद है, जो प्रधान का जो ताज है, वो किसके सिर सजेगा।
तब तक देखते रहिए डीपीके न्यूज़, मैं आपके साथ सुभाष चौधरी।